ગોધરા ખાતે યોજાયેલ છઠ્ઠી સ્ટુડન્ટ્સ ઓલિમ્પિક નેશનલ ગેમ્સમાં દાદરાનગર હવેલીના ખેલાડીઓએ વિવિધ સ્પર્ધામાં 22 જેટલા મેડલો પ્રાપ્ત કરી સંઘ પ્રદેશનું નામ રોશન કર્યું હતું. ગોધરા ખાતે યોજાયેલા સ્પર્ધામાં દાદરાનગર હવેલીના ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો, જેઓએ વિવિધ સ્પર્ધામાં 22 જેટલા મેડલો મેળવતા સ્પોર્ટ્સ વિભાગ દ્વારા વિજેતા ખેલાડીઓને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા. मैं एथलेटिक्स में हूँ. 800 मीटर और 1500 मीटर में पार्टिसिपेट किया था. 800 मीटर में मेरा ब्रॉन्ज आया है और 1500 मीटर में गोल्ड आया है. और सर ने हमें बहुत प्रैक्टिस कराई, 6 साल से प्रैक्टिस कराई सर ने. और हमारे फ्रेंड्स जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, मेरे दोस्तों ने मेरे को स्प्रिंट और पेस लगाने में मदद करते थे. सर मेरे को डेडिकेट करते थे कि नहीं कर कर कर. उन्होंने बहुत प्रैक्टिस कराई है, मतलब हमेशा वो सबसे पहले ग्राउंड पे आ जाते हैं, फिर फ़ोन करते हैं कहाँ है. मेरा हुआ था सर हरियाणा, तमिलनाडु, इन सब स्टेटों के साथ मेरा कंपटीशन था. मतलब तगड़े प्लेयर आए थे और सर ने मेरे को डेडिकेट किया था कि नहीं, जो मेहनत की है, जितनी मेहनत की है उस हिसाब से दौड़ना है. आगे के लिए किस तरह की आपकी मेहनत रहेगी? आगे के लिए सर अभी हमारे जहाँ 4 घंटे का वर्कआउट था, अब वहाँ पर 6-6 घंटे का वर्कआउट हो जाएगा. और मतलब टफ वर्कआउट कराएंगे सर. उन्होंने बोला है कि मतलब इंटरनेशनल में भी गोल्ड लाना है, उसके हिसाब से हमें वो ट्रेनिंग दे रहे हैं सर. हमारे बच्चे अभी कुछ 18-20 कंपटीशन था स्टूडेंट ओलंपिक इंडिया, जो गोधरा गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था. 2 दिन का इवेंट था 19-20, जिसमें ऑलमोस्ट 26 स्टेट्स पर पार्टिसिपेटेड और हमारे बच्चे ऑलमोस्ट 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल किए. टोटल 22 मेडल्स हमारे DNH को मिला, दर्शन स्पोर्ट्स अकेडमी. आगे की क्या तैयारी? आगे की तैयारी है ये है कि जो भी वहाँ पर इंडिया लेवल पे ओलंपिक में जो कॉम्पिटिशन हुआ हमारा, इसमें जो भी बच्चे जैसे जो गोल्ड और सिल्वर जिसने किया हुआ है वो क्वालिफाई हुए हैं मलेशिया इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर मलेशिया के अंदर जो कॉम्पिटिशन होगा उसमें 29 कंट्री पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें एक इंडिया भी है. दरअसल सर आपके स्टूडेंट्स ज़्यादा है, जिसमें एक ही लड़की है, तो किस तरह से कौन से स्टूडेंट्स ने बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ दिया और सब लोग उसको देखते रह गए, ऐसा क्या था? एक्चुअली ऐसा था कि अभी देखो इंडिया में फर्स्ट टाइम मतलब अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12 कॉम्पिटिशन हुआ है. पहले अंडर 14 ही होता था, लेकिन इस बार 3 इवेंट्स एक्स्ट्रा पढ़ाया गया, जिसमें हमारे जो सभी ने बहुत ही अच्छा बेस्ट किया. हमारे कुछ एलिट्स बच्चे भी बेस्ट किए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं जो हमारे अंडर 8 वाले हैं, जैसे रिदम है, रिदान है और महीन है, और अंडर 8 में आर्यन शर्मा है, इन्होंने इतना ज़ोरदार परफॉर्मेंस किया 100 मीटर 200 मीटर. तो वहाँ पे जो पब्लिक थी और जो वहाँ पे जो ऑडियंस थे, जो हमारे गाइडेंस थे, वो लोग देख के मतलब चौंक गए कि मतलब बच्चे इतना भी अच्छा कर सकते हैं. और काफ़ी अच्छा रहा और उनने काफ़ी पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं और आप लोग ट्रेनिंग कितने टाइम से कर रहे हैं. कितने कहाँ से स्टेट से वहाँ पे? 26 स्टेट से आए थे. ओवरऑल सभी जगह से लोग आए थे और काफ़ी लोग ने पार्टिसिपेट किया था. 1300 के आसपास बच्चे थे वहाँ पर, हर स्टेट से आए थे. लेकिन हमको डायरेक्ट नेशनल्स खेलने को मिलता है, नहीं तो हर कोई जगह से क्वालिफाई होकर बच्चे वहाँ पर आए. जैसे हमारे एलिट में हमारे बच्चे जो 100-200 में हैं, काफ़ी मतलब इनके जो कॉम्पिटिशन थे अंडर 22-18 वाले हैं, जो हमारे अंडर 19 वाले हैं, 100-200 बच्चे जो खेले हैं, काफ़ी ज़ोरदार कंपटीशन था इनका. मतलब ज़्यादा करके इनका कंपटीशन हुआ इनके साथ पंजाब और हरियाणा वाले लोगों के साथ कंपटीशन हुआ. हमारे जैसे शुभम यादव करके हैं, सिद्धार्थ नायर करके हैं, आदि नितीश हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और बहुत ही ज़ोरदार परफॉर्मेंस दिया कि आप लोग ऑलमोस्ट ट्रेनिंग कितने टाइम से कर रहे हैं और हार्डवर्किंग आप लोगों का क्या चल रहा है.